हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनवांटेड किट यानी कि एमटीपी किट लेने के बाद महिला को केवल एक ही दिन ब्लीडिंग होने का क्या कारण होता है। आपने टैबलेट ली और आपकी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हुई और ब्लीडिंग केवल एक ही दिन रही, इसके पीछे कारण क्या होता है? क्या आपका अबॉर्शन पूरा हो गया है या फिर अबॉर्शन कम्प्लीट नहीं हुआ है, क्या हम इसको समझें? इस तरह के मेरे पास कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। इससे रिलेटेड एक और वीडियो है हमारे चैनल पे कि एमटीपी किट आपने लिया और आपकी ब्लीडिंग नहीं हुई तो उसके पीछे क्या कारण है। तो वहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि मैडम हमको ब्लीडिंग तो हुई पर ब्लीडिंग एक ही दिन हुई। तो देखिए होता क्या है, इसमें आती हैं 5 टैबलेट। फर्स्ट टैबलेट जो होती है मिफेपिस्टोन की, उस टैबलेट को लेने के बाद बहुत ही ऐसी कम महिलाएं होती हैं जिनको की ब्लीडिंग होती है। बहुत ही ऐसे रेयर केस होते हैं जिनमें की ब्लीडिंग देखने को मिलती है फर्स्ट टैबलेट लेने के बाद। हल्का सा क्रैम्पिंग, हल्की सी स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इस टैबलेट को खाने के बाद आपकी ब्लीडिंग हो ही तभी आपका अबॉर्शन होगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम ऐसे केस हैं जिनको की ब्लीडिंग होती है। अब कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि पहली टैबलेट खा ली मिफेपिस्टोन की, हल्की सी स्पॉटिंग हो गई, सोच लेती हैं कि यही अबॉर्शन हो गया, अब आगे की टैबलेट मैं क्यों खाऊं, ब्लीडिंग हमको स्टार्ट हो गई। तो आपको पूरी 5 की 5 टैबलेट लेनी होती हैं तभी जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट हो पाता है। क्योंकि आपने सोचा कि फर्स्ट टैबलेट हमने ले ली, हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, अब हम नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट टैबलेट का अलग काम होता है और बाकी की 4 टैबलेटों का अलग काम होता है, तो इसी तरह आपको लेनी होती है। इसके बाद बारी आती है बाकी की 4 टैबलेट की। उसको लेने के आधे घंटे से लेके अगले 4 घंटे के अंदर ब्लीडिंग हो जानी चाहिए। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी में आधे घंटे बाद हो जाती है, किसी में 4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। अब बात आती है कि हमने 5 टैबलेट ले ली, इसके बाद भी ब्लीडिंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई, उसके पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण जो होता है इसके पीछे वो है कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 49 डेज से ज़्यादा की है, यानी ज़्यादा दिन की आपकी प्रेगनेंसी है, आपको पता नहीं चला, आपके पीरियड डेट आपको पता नहीं चली, या फिर आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो 49 डेज़ की ही प्रेगनेंसी को ये टर्मिनेट करता है। अगर 49 डेज़ से ज़्यादा हो गए हैं तो ये अबॉर्शन कंप्लीट नहीं कराएगा, या फिर ब्लीडिंग होगी आधी अधूरी होगी, 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, इससे जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो ये तो आपको समझ जाना है कि बिल्कुल भी कि अगर आपको 1 दिन ब्लीडिंग हो रही है या फिर थोड़े टाइम के लिए ब्लीडिंग हो रही है तो आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दूसरा बड़ा कारण होता है कि अगर आपने एक्सपायरी डेट की किट ली है तो उस पर भी जाहिर सी बात है आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी। तीसरा कारण, अगर आपको प्रेगनेंसी ही नहीं है तब आप इस टैबलेट को ले रहे हैं, ब्लीडिंग नहीं होगी। इसके अलावा एक और समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी यूटरस में यानी कि बच्चेदानी में ना हो के आपके फैलोपियन ट्यूब में है, नली में है, या फिर ओवरीज में है, अंडाशय में है, तो इससे भी ये टैबलेट काम नहीं करेगी। अगर आपकी पिछली डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और जो बच्चेदानी में कट लगा था तो वहाँ पे भी क्या होता है कि कई बार बच्चा ग्रो होने लग जाता है, जो एम्ब्रियो है वहाँ पे डेवलप होने लग जाता है, वहाँ पे चिपक जाता है, तो ऐसे में भी ये अबॉर्शन जो है कंप्लीट नहीं होगा, आधा अधूरा आपको आपका अबॉर्शन होगा, आपकी ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कारण जिससे कि ब्लीडिंग कम होगी या फिर बिल्कुल भी होगी ही नहीं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, मैंने और भी वीडियोस में बताया है कि जब भी आप अनवांटेड किट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जरूर डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। डॉक्टर वहाँ पर आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं ताकि ये पता चल सके कि आपका बच्चा यूट्रस में है या फिर फैलोपियन ट्यूब में है, एंडाशय में है, या फिर स्कार प्रेगनेंसी तो नहीं है, इस तरह की कोई शिकायत तो नहीं है, या फिर कितने दिन की प्रेगनेंसी है, तो ये सब अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़, बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं कि कहीं भी मेडिकल स्टोर से कहीं से भी ला के इस टैबलेट को खा लेती हैं और वो सही तरीके से सही समय पे सही मेथड से इस टैबलेट को नहीं लेती हैं बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस लेके, तो इससे भी ब्लीडिंग आधी अधूरी होगी, आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि मेरा, अगर आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ भी पार्ट अंदर रह गए हैं, अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो वहाँ पे ये ब्लीडिंग कम भी करा सकता है या फिर लगातार कंटिन्यू ब्लीडिंग को भी कॉज कर सकता है। ब्लीडिंग एक दिन होना, दो दिन होना या फिर बिल्कुल भी ना होना, ये सब ये बताते हैं कि आपका अबॉर्शन इनकम्प्लीट हुआ है। आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। और एक और बात जो कि मैं कहना चाहूँगी कि कई लेडीजें क्या करती हैं कि उनको ब्लीडिंग नहीं हुई या फिर एक ही दिन हुई ब्लीडिंग या फिर दो दिन हुई, तो वो दूसरा अनवांटेड किट ला के खाती हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी भूल के मत करिएगा, ये आपकी जान के लिए भी खतरा है। इस टैबलेट को आप दोबारा रिपीट एक हफ्ते बाद ही कर सकते हैं, एक हफ्ते से पहले इस टैबलेट को रिपीट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको लेने के देने भी पड़ जाएंगे। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए और उनकी एडवाइस लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवाइए कि बच्चा सही जगह पे है या नहीं है, प्रेगनेंसी कितने दिन की है, उसके बाद ही सही मेथड से, सही तरीके से, सही टाइम पे इस टैबलेट को लेंगे तो आपका अबॉर्शन कंप्लीट होगा। सो लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने डॉक्टर की राय लेके भी इस टैबलेट को लिया है, सही समय पे, सही दिन पे, सही टाइम से इस टैबलेट को लिया है, फिर भी आपको ब्लीडिंग नहीं हुई या फिर ब्लीडिंग एक दिन हुई, दो दिन हुई या फिर बिल्कुल भी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई आपकी, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना है। अपने मन से आपको कहीं से भी दोबारा इस किट को नहीं इस्तेमाल करना है। डॉक्टर आपको 7 दिन बाद फिर से रिपीट करने के लिए कहेंगे। हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करें कि क्या कंडीशन है, बच्चा अगर यूट्रस में नहीं है, वो फैलोपियन ट्यूब में है या फिर ओबरीज में है या फिर स्कार प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में डॉक्टर ऑपरेशन का सहारा लेते हैं, ये टैबलेट वहाँ पे काम नहीं करती है। तो इसलिए एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखवाएं जिससे आपने टैबलेट ली है, तो वहाँ पे डॉक्टर ही आपको सही राय देंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लड़कियों को इससे हेल्प मिले। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पे लेके आते हैं। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।